हे गाइस, वेलकम टू क्रिएटिव आर्ट। ये है कोरेलड्रॉ 2019 की बेसिक सीरीज और क्लास है हमारी 27th। आज हम बहुत ही मज़ेदार और बहुत यूज़फुल ऑप्शन देखेंगे, फिट टेक्स्ट टू पाथ। अगर आपने पिछली हमारी क्लास देखी हो टेक्स्ट टूल की, टेक्स्ट टूल पार्ट 1 और टेक्स्ट टूल पार्ट 2, तो पार्ट 2 में मैंने ये चीज़ बताया था कि फिट टेक्स्ट टू पाथ के लिए हम अलग से एक क्लास रखेंगे। तो आज हम इसको देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टी को भी देखेंगे और इसको यूज़ करना भी हम सीखेंगे। नमस्कार, मैं हूँ सुमित और आप देख रहे हैं क्रिएटिव आर्ट। ऑलराइट, वेलकम बैक अगेन। आइए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं वो फिट टेक्स्ट टू पाथ का ऑप्शन कहाँ मिलेगा वो दिखा दूँ। अगर पिछली आपने क्लास नहीं देखी है टेक्स्ट टूल की पार्ट 1 और पार्ट 2, तो ऊपर आई की बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि फिट टेक्स्ट टू पाथ कहाँ पे मिलेगा। अगर नहीं पता है तो भी मैं बता देता हूँ। तो उसके लिए हम आ जाएंगे ऊपर टेक्स्ट में, यहाँ अगर क्लिक करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा फिट टेक्स्ट टू पाथ। अब ये डिसेबल है। डिसेबल क्यों? क्योंकि फिट टेक्स्ट टू पाथ में दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला, टेक्स्ट तो चाहिए ही होगा। दूसरा, पाथ। वो पाथ किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे वो आपका कस्टम पाथ हो, चाहे वो आपका बेसिक हो, या बेसिक शेप से भी आप कोई पाथ क्रिएट कर सकते हो, या फिर वो कोई ओपन पाथ भी हो। क्लोज पाथ भी चलेगा, ओपन पाथ भी चलेगा। तो सारी चीज़ें देखते हैं किस तरह से करेंगे। ऑलराइट, सो एक और चीज़ मैं मज़े की बात बताना चाहता हूँ। 2019 में फिट टेक्स्ट टू पाथ में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट किया गया पुराने वर्जन में, और अभी के जो वर्जन है 2019 का, इसमें बहुत फ़र्क है। इस ऑप्शन को बहुत अच्छा और बना दिया गया। तो आइए देखते हैं किस तरह से यूज़ मिलेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम एक ओपन पाथ ही मैं दिखाता हूँ, फिर मैं क्लोज पाथ में दिखाऊंगा। ओपन पाथ के लिए मैं पेन टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ और एक ओपन पाथ मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से। इसके बाद हम लेंगे टेक्स्ट टूल, ठीक है। तो टेक्स्ट टूल में मैं कुछ भी टाइप कर लेता हूँ, क्रिएटिव आर्ट, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब देखिए, पहले पुराने वर्जन में क्या होता था कि जब भी हम फिट टेक्स्ट टू पाथ को यूज़ करते थे तो हमें टेक्स्ट को भी सेलेक्ट करना पड़ता था और पाथ को भी, दोनों को एक साथ सेलेक्ट करना पड़ता था। पर 2019 में ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, पाथ को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इस अगर पेज के ऊपर और भी कई सारे पाथ पड़े हो, आप जिस मर्जी पाथ के ऊपर उसको लेके जा सकते हो। दूसरी एक बात कि पुराने वर्जन में प्रीव्यू नहीं दिखाता था, अब 2019 में ये प्रीव्यू दिखाएगा कि आप अगर माउस का कर्सर ले जा रहे हो जहाँ पे, तो वहाँ पे आपका टेक्स्ट कैसा लगेगा और उस पाथ के कितनी डिस्टेंस पर आप रखना चाहते हो। तो आइए देख लेते हैं किस तरह से करेंगे। तो सेलेक्ट रखेंगे टेक्स्ट को, आ जाएंगे टेक्स्ट पर और यहाँ पे देखिए ये इनेबल हो चुका है। फिट टेक्स्ट टू पाथ में क्लिक कर रहा हूँ मैं माउस का लेफ्ट की, और यहाँ पे देख सकते हो माउस के कर्सर में एक एरो बना हुआ आ रहा है, ठीक है। अब इस एरो को अगर इस पाथ के ऊपर ले जाएँ तो ये प्रीव्यू दिखाता है अब, ठीक है, ये स्नैपिंग कर चुका है। अब दूर ले जाएंगे तो भी वही पाथ को वो स्नैप करके रखेगा, ठीक है। पास में लाएंगे तो भी उसी पाथ में स्नैप करके रखेगा, और जहाँ पे आप ले जाना चाहते हो माउस का कर्सर को मूव कराते रहिए और वो आपको प्रीव्यू दिखाएगा। जितनी दूरी पे रखना है, यानी कि जितने डिस्टेंस पे रखना है आपने पाथ के, तो वो भी दिखाएगा आपको। मैं चाहता हूँ जी मैं यहाँ पे कहीं रखूँ और थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखूँ, तो मैं माउस के लेफ्ट की को क्लिक करूँगा एक बार, तो यहाँ पे मेरा टैक्स फिट हो जाएगा, राइट। उसके बाद भी आप चाहो तो टैक्स को चेंज कर सकते हो, फॉन्ट को चेंज कर सकते हो, या फिर इसकी पोजीशन अगर आप फिर से चेंज करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। तो कहने का मतलब है कि हम एक ओपन पाथ पे काम कर सकते हैं, क्लोज पाथ पे कैसे करेंगे चलिए आइए देख लेते हैं। मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ कि अंडो कर रहा हूँ और इस पाथ को सिर्फ मैं डिलीट कर दूँगा,
राइट इसके लिए मैं एक क्लोज पाथ में मैं एक एलिप्स ले रहा हूँ और एक कंट्रोल की प्रेस करते हुए एक परफेक्ट राउंड शेप मैंने ड्रॉ किया। राइट एक काम पहले आपने करना है, देखिए आप इस ऑप्शन का यूज़ करते हुए बहुत कुछ बना सकते हो। आप कोई एमलेम लोगो बना सकते हो, आप सील बना सकते हो, आप बैज बना सकते हो और भी बहुत कुछ बना सकते हो। चलिए आइए एक बैज भी बनाएंगे और इस ऑप्शन को भी देखेंगे किस तरह से हम यूज़ में लेंगे। राइट तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसके फॉन्ट को मैं चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पे एरियल तो नहीं लूँगा मैं, हेलवेटिका ले रहा हूँ। ठीक है, हेलवेटिका में बोल्ड मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ऑलराइट। सो एक और डुप्लीकेट कर रहा हूँ मैं क्योंकि मुझे बार बार ज़रूरत पड़ेगी। एक काम और करेंगे, इस सर्कल को थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूंगा, सेलेक्ट कर रहा हूँ और थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूँ। ऑलराइट, सो पी प्रेस करके सेंटर में लेके आऊँगा इस तरह से। और अब मैं चाहता हूँ जी ये जो क्रिएटिव आर्ट है इस सर्कल के ऊपर आ जाए, तो वही करेंगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट में जाएंगे और फिर टेक्स्ट पाथ करेंगे। राइट फिर से आ गया वही एरो, तो उस एरो को लेके आएंगे। अब जहाँ पे आपने रखना है, अंदर बाहर, सर्कल के अंदर भी आप लेके जा सकते हो और सर्कल के बाहर भी लेके जा सकते हो। आप जितनी दूरी पे लेके जाना है लेके जा सकते हो। उसने एक बार स्नैप कर लिया तो आप जितनी दूर ले जाना चाहते हो लेके जाके उसको वहाँ पे फिट कर सकते हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि जी मैं इसके अंदर मैं फिट करूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने माउस का कर्सर को लाकर माउस के लेफ्ट की को क्लिक किया एक बार, तो यहाँ पे ये फिट हो जाता है। ऑलराइट, तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ ऊपर दिखाता है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी देख लेते हैं साथ ही साथ। फर्स्ट यहाँ पे आपको कुछ टेक्स्ट ओरिएंटेशन मिलते हैं, यानी कि एक प्रीसेट की तरह आपको मिलते हैं आपने कैसे उसको दिखाना है। तो मैं माउस का कर्सर लेके जा रहा हूँ, वो प्रीव्यू दिखा रहा है, आप देख लीजिए आपको किस में और कैसे लेके जाना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट वाले पर ही होता है, उसके नीचे अगर आप इनको भी यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। राइट उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में। नेक्स्ट ऑप्शन है डिस्टेंस फ्रॉम पाथ। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, इस पाथ की और इस टेक्स्ट की जो बीच में जो गैपिंग आप ला सकते हो वो यहाँ से ला सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो भी हम वैल्यू देंगे वो mm में होगा। ठीक है, अब आप चाहो तो यहाँ पे वैल्यू दे सकते हो या एक काम और कर सकते हो, यहाँ पे माउस के कर्सर को लाइए, माउस के लेफ्ट की को क्लिक कीजिए, लाइन एक ब्लिंक करेगा और उसके बाद कीबोर्ड के एरोस की का यूज़ कर सकते हो, अप एंड डाउन एरोस की। ठीक है, अगर अप करेंगे तो कुछ इस तरह से करेगा और डाउन करेंगे तो कुछ इस तरह से करेगा। ठीक है, अब इसको आप कर सकते हो या फिर इस एरो के बटन के बीच में माउस का कर्सर लाकर इसको ऊपर नीचे लेके जा सकते हो। मैं थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है। ये देखिए कुछ इस तरह से आप कर सकते हो, फिर उसको आराम से आप एडजस्ट करके इधर उधर कर सकते हो। मैं चाहता हूँ जी इतनी डिस्टेंस पे रहे। ठीक है, पर ये कुछ ऐसे आ रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में आ रहा है, इसका डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए नेक्स्ट आ जाएंगे ऑफसेट में। ऑफसेट में भी सेम आप उसी तरह से ही वैल्यू को चेंज करने के लिए माउस के कर्सर को यहाँ ला के आगे पीछे कर सकती हो कुछ इस तरह से। ठीक है जी, कुछ इस तरह से मैं चाहता हूँ। राइट एक काम और कर सकते हैं कि मैं ये अभी स्मॉल लेटर में मैं इसको कैपिटल में करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और यहाँ से ऑल कैप्स कर दूँगा इसको। राइट ऑलराइट, सो इतना हो चुका है हमारा। देखिए इसके बाद एक काम और करते हैं, थोड़ा सा और मज़ेदार इसको बनाएंगे। यहाँ से मैं ले रहा हूँ पॉलीगन। ठीक है, और साइड आप 20 रख लीजिए, 10 रख लीजिए, 15 रख लीजिए, वॉट एवर जो आपको पसंद हो। ठीक है, थोड़ा सा मज़ेदार इसको बनाएंगे। तो कंट्रोल की प्रेस करते हुए इस तरह से एक पॉलीगन मैंने ड्रॉ किया, जिसमें जो इसकी साइड्स है वो पॉइंट ऑफ साइड जिसको कहते हैं वो है 20।
ऑलराइट, सो इतना होने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ से ले लेंगे डिस्टॉर्ट टूल को। अब देखिए डिस्टॉर्ट टूल के बारे में भी हम देख चुके हैं पिछली क्लास में, या जितने भी ऑप्शन है इस फ्लाईआर्ट में इन सारी चीज़ों को हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। पिछली क्लास आपने नहीं देखी है तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है, बहुत डिटेल में हमने देखा है इन चीज़ों को। ऊपर आई के बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ या डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। राइट, तो मैं डिस्टॉर्ट टूल को ले रहा हूँ और यहाँ पे सेंटर में आ रहा हूँ, ठीक है, और सेंटर में आके इसको ट्रैक करेंगे कुछ इस तरह से, ऊपर या नीचे आप जैसा मर्जी करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। मैं ऐसे कर रहा हूँ, कुछ ऐसे ज़्यादा हो गया, तो एक काम करते हैं यहाँ पे इस हैंडल को पकड़ेंगे, इसको पीछे की तरफ लेके जाएंगे कुछ इस तरह से, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा या इतना, ठीक है। ये जो कर्व आ रहा है ये मुझे चाहिए था। ऑलराइट, सो इसमें कोई कलर फील दे देते हैं और मज़ेदार लगेगा। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ से नहीं लेता, मैं बहुत ही रेयरली यहाँ से यूज़ करता हूँ कलर पैलेट से, तो मैं क्या करूँगा कि कलर का पैनल ले लूँगा, ठीक है। सो कलर के बारे में आज कुछ नहीं बताऊँगा, नेक्स्ट आने वाली किसी क्लास में हम इसको बहुत डिटेल में देखेंगे। ऑलराइट, सो अगर ये पैनल यहाँ नहीं दिख रहा है, इस पैनल को लाना चाहते हो तो उसके लिए आप विंडो में जाइए, टॉकर, और यहाँ मिल जाएगा आपको कलर, ठीक है। तो मैं यहाँ से यूज़ करता हूँ, मैं कोई इसी तरह का सियान ले लेता हूँ, कुछ इस तरह का कलर, ठीक है जी, और फिल कर देंगे, मुझे यहाँ से ज़्यादा ईजी लगता है। राइट, ऑलराइट, सो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं या इतना, पी प्रेस करके सेंटर में लेके आएंगे और इसको उस बैज के नीचे ले आएंगे, तो कंट्रोल एंड प्रेस करेंगे उसके नीचे चला जाता है। राइट, ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे कुछ और टेक्स्ट चाहता हूँ तो कुछ और ले लेते हैं, इसकी भी एक डुप्लीकेट करेंगे और क्या टाइप करें आप, इस बार हम टाइप करेंगे, चलिए पहले इसको डिलीट कर देते हैं और टाइप करते हैं ग्राफिक डिज़ाइन, ठीक है जी, और मैं इसको कैपिटल में कर दूं, तो टेक्स्ट चेंज केस आप यहां से भी कर सकते हो, अपर केस एंड हर, मेरी आदत बार बार यहां पे जाने की है क्योंकि पुराने वर्जन में जब मैं यूज़ करता था तो बार बार यहीं से करता था, तो देख लीजिए आपको कैसे यूज़ में करना है, आप चाहो तो यहां से भी कर सकते हो, देखिए प्रॉपर्टी में आकर ये यहां से भी कर सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, सो थोड़ा सा मैं इसको यहां पे लेके आऊँगा मूव करा के इस जगह, और यहां से ले लेंगे टेक्स्ट को और फिर टेक्स्ट को पाथ कर देंगे और इस तरह से अंदर, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इस तरह से तो नहीं चाहता हूँ, ये उल्टा आ रहा है, मैं ऐसे नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ सीधा आए जैसे ये आ रहा है, स्ट्रेट आए। तो देखिए यहाँ पे दो बटन आपको दिए हैं, ये इसी के लिए है। पहले हम आ जाएंगे यहाँ पे मिरर टेक्स्ट वर्टिकल करेंगे पहले इसको, ठीक है, और फिर मिरर टेक्स्ट हॉरिजेंटल करेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए जब हमने इसको मिरर किया तो ये काफ़ी डिस्टेंस में चला गया, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको भी आप कर सकते हो, यहाँ पे आ जाइए इस तरह, ठीक है। थोड़ा सा मैं अगर नीचे करूँ या फिर ऊपर करूँ तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हो बहुत आराम से, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और एक एक स्टेप करके इसको यहाँ लेके आ रहा हूँ, अब यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, ऑफसेट में। अब ऑफसेट में आ जाते हैं, यहाँ पे फिर से मैं क्लिक कर रहा हूँ माउस का कर्सर को उड़ा के और इसको एडजस्ट करेंगे, थोड़ा सा इसको स्ट्रेट लेके आए या कुछ इस तरह से, ठीक है जी। ऑलराइट, सो इतना हो चुका है। अब देखिए इसमें एक और चीज़ जुड़ी है, स्टिक स्नैपिंग। अब स्टिक स्नैपिंग क्या चीज़ होती है वो चीज़ मैं बता दूँ। देखिए मैं अगर इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ जाता हूँ, फिर टेक्स्ट पाथ को सेलेक्ट करता हूँ और इस पाथ के ऊपर फर्स्ट टाइम जब लागता हूँ मैं, वो होता है स्टिक स्नैप, ठीक है। अब इसके बाद ये इसको स्नैप कर लेता है, अब जितनी दूरी पे आप ले जाना चाहते हो लेके जा सकते हो, वो उसको स्नैपिंग ही करके रखेगा जब तक आप माउस के लेफ़्ट की को प्रेस नहीं कर दोगे, ठीक है। मैं चाहता हूँ जी यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा, सेट हो जाएगा, ठीक है। मैं अंडू कर रहा हूँ, ठीक है। इसको और अच्छी तरह से समझाने के लिए देखिए मैं एक सर्कल फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ और
इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके टेक्स्ट एंड फिट टेक्स्ट टू पाथ, और ये देखिए कुछ इस तरह से। अब एक बार मैं माउस के कल्सर को इसके ऊपर लेके आया तो वो स्नैप कर लेता है, ठीक है, यानी कि स्टिक कर लेता है उसको, और फिर उसके बाद जितनी दूरी पे ले जाना चाहते हो लेके जा सकते हो, राइट। मैं यहाँ छोड़ना चाहता हूँ तो कुछ इस तरह से, ठीक है, मैं अंडू कर रहा हूँ, तो इस तरह से आप यूज़ में ले सकते हो, राइट। सो स्टिक स्नैपिंग के अंदर भी आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं, आप स्नैपिंग को ऑफ कर सकते हो, ठीक है, मेरी मानिए इसको हमेशा ऑन ही रखिए, और स्टिक स्पेसिंग को आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, यानी कि कितनी दूरी से वो स्टिक करेगा, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है, कम रखिए या ज़्यादा रखिए, खैर मेरी मानिए तो उसको 2 से 5 mm के आसपास ही रखिए, राइट। ऑलराइट, सो नेक्स्ट आप इसके फॉन्ट को यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, खैर फॉन्ट को आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, फॉन्ट के साइज़ को बड़ा या छोटा कर सकते हो, उसको बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, और यहाँ आ जाए तो एक आपको कैरेक्टर का भी बटन मिल जाता है, कैरेक्टर का भी आप ओपन कर सकते हो, खैर ये कैरेक्टर का पैनल को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, जब भी आप टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करते हो ये अपने आप ओपन हो जाता है इधर। ऑलराइट, तो अब मैं ये चाहता हूँ कि टेक्स्ट को मूव कराएं, पर प्लीज़ अभी मत मूव कराइए, जब तक आप इसको ब्रेक नहीं करा लेते इसको मूव मत कराइए, मूव कराएंगे तो क्या होगा, देखिए मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको जैसे ही मूव कराता हूँ ये कुछ ऐसा हो जाएगा, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, इसको अगर मूव कराना है तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इन सबको सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये जो पार्ट है नीचे का सियान पार्ट, शिफ्ट की प्रेस करते हो इस पर एक बार क्लिक करके इसको डीसेलेक्ट करेंगे, ठीक है, इतना ही सेलेक्ट है हमारा ये सर्कल और ये टेक्स्ट, अब आ जाएंगे ऑब्जेक्ट में और इसको कर देंगे ब्रेक, कंट्रोल की है इसका शॉर्टकट, अब ये ब्रेक हो चुका है, अब आप चाहो तो इन टेक्स्ट को मूव करा सकते हो, इस सर्कल को बाहर निकाल सकते हो, ठीक है, मैं इस सर्कल की वेट को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, एक काम करता हूँ इस सर्कल को थोड़ा सा एक कॉपी करके बाहर रख रहा हूँ और इस अंदर वाले सर्कल को इसकी वेट को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, तो इसके लिए मैं जाऊँगा प्रॉपर्टी में और यहाँ पे आके मैं इसको 2 पॉइंट करके देखते हैं, ठीक है, आई थिंक इतना ठीक है, थोड़ा सा और करके देखें 3 पॉइंट, राइट, ठीक है, राइट। सो इतना होने के बाद अब जाएंगे ऑब्जेक्ट में और यहाँ से कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट करेंगे, ठीक है, शिफ्ट की प्रेस करते हुए इस सियान को भी सेलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे ट्रिम, ठीक है, डी सेलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा मैं जूम करूँगा, इसको फिर से सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट की प्रेस करते हुए अंदर की तरफ इसको लेके आएंगे कुछ इस तरह से, या इस तरह से, ठीक है, ऑलराइट। सो इतना होने के बाद फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट की प्रेस करते हुए, इसको भी, ये सियान को यानी कि सर्कल को भी और सियान को भी, और फिर से मैं ट्रिम कर रहा हूँ उसको, राइट, ओके, एक बार फिर से इसको सेलेक्ट किया, फिर से शिफ्ट की प्रेस करते हैं, थोड़ा सा अंदर ले लेंगे इतना, राइट। तो इतना होने के बाद ये देख सकते हो यहाँ से भी पंच हो गया, यहाँ से भी पंच हो गया, अब मुझे क्या करना है, ऑलराइट। सो एक काम करते हैं, मैं इस सर्कल को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं स्मार्ट फिल टूल को ले लूँगा, ठीक है, स्मार्ट फिल टूल के बारे में भी नेक्स्ट किसी क्लास में हम ज़रूर देखेंगे डिटेल में, इसको मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ और ये देख सकते हो, ठीक है, ऑलराइट। सो इस पार्ट को आप सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, चाहो तो आप इसको वाइट कर सकते हो व्हाटएवर, या फिर आप यही कलर देना चाहते हो तो भी दे सकते हो, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ थोड़ा सा मैं डार्क कर दूँ, डार्क करके देखते हैं क्या ऐसा लगता है, थोड़ा सा मैं डार्क कर रहा हूँ और आउटलाइन को नन कर रहा हूँ कुछ इस तरह से, ऑलराइट। सो अब और थोड़ा सा मज़ेदार बना देते हैं, यहाँ से मैं ले रहा हूँ स्टार को, स्टार ड्रॉ किया मैंने कुछ इस तरह से, ऑलराइट। सो इस स्टार को थोड़ा सा कलर फिल दे देते हैं, मैं रेड ले रहा हूँ, रेड या ऑरेंज, वॉट एवर जो आपको पसंद हो, ऑरेंज भी ले सकते हैं, और आउटलाइन को मैं नन कर रहा हूँ और स्टार को मैं चाहता हूँ यहाँ कहीं लगाऊँ या फिर यहाँ कहीं, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको स्केल डाउन कर रहा हूँ या इस तरह से, और कंट्रोल की प्रेस करते हुए इसको ड्रैग करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से, और राइट क्लिक कर देंगे, एक डुप्लीकेट हो जाता है, राइट। ऑलराइट, सो अब बीच में भी आप चाहो तो कोई टैक्स वगैरह लगा सकते हो, तो
एक काम करते हैं, पहले इस सर्कल को मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ और पी प्रेस करके सेंटर में लेके आ रहा हूँ। थोड़ा सा मैं बड़ा करूँगा इस तरह से, या इतना बड़ा, और इसकी वेट को हम 10 पॉइंट कर देते हैं। आई थिंक ज़्यादा हो गया, तो थोड़ा सा कम करके देखें। 8, आई थिंक 8 भी बहुत ज़्यादा है। 4, या 4 ठीक है। ऑब्जेक्ट में जाके इसको कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट करेंगे और यही कलर ले लेंगे, तो सेम यही कलर ले रहा हूँ, या फिर डार्क ये वाला, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। ऑलराइट, सो अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे भी कुछ टेक्स्ट आए, तो कुछ टाइप कर लेते हैं। चलिए इसमें भी टाइप कुछ कर लेते हैं, और इसको पहले मैं डिलीट कर दूँ। क्या टाइप करें, क्लास या, तो यहाँ पे लेके आ रहा हूँ इसको। टॉप पर करेंगे, कंट्रोल होम प्रेस करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा टॉप पर, और इसको मैं अब कैप में कर रहा हूँ, ठीक है। और पहले मैं पी प्रेस करके सेंटर में लेके आऊँ और फिर कंट्रोल प्रेस करके थोड़ा सा मैं इसको ऊपर। अच्छा, एक और मज़ेदार इसमें काम कर सकते हो आप, यहाँ पे आप चाहो तो इस सर्कल को कट करके भी आप बहुत मज़ेदारी से एक अच्छा इफ़ेक्ट दे सकते हो। एक काम करते हैं, चलिए मैं इसमें दिखा देता हूँ आपको। मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा डार्क कर दूँ, आई थिंक ये ठीक है। राइट, सो अब मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ इस तरह से, और आई थिंक ये ठीक है, ठीक है। और इसको मैं पी प्रेस करूँगा तो सेंटर में आ जाएगा, और दोबारा से सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट की प्रेस करते हुए इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। फिर से शिफ्ट की प्रेस करते हुए इस सर्कल को भी सेलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे ट्रिम। ऑलराइट, तो अब इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। ऑलराइट, सो अब चाहो तो आप इस क्लास को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करा कर यहाँ पे कुछ और टैक्स भी लगा सकते हो, ठीक है। मैं फिर से इसको सेलेक्ट करूँगा और 2019, राइट, और दोनों को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और सी प्रेस करके मैं अलाइन कर रहा हूँ, ठीक है जी। उसके बाद एक काम और करते हैं, थोड़ा सा और ऊपर लेके आऊँगा मैं इस तरह से, और दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे शिफ्ट की प्रेस करते हुए, कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ। ऑलराइट, सो अब इतना होने के बाद पी प्रेस करेंगे, सेंटर में आ जाता है। अब यहाँ चाहो तो आप एक स्टार और लगा सकते हो इस जगह में, ठीक है जी, और एक कंट्रोल की प्रेस करते हुए यहाँ पे इस जगह में, ठीक है जी। ऑलराइट, सो इतना होने के बाद इस सर्कल को मैं डिलीट कर दूंगा। इसको थोड़ा सा और मज़ेदार बनाने के लिए एक काम और कर सकते हो, आप इसमें ग्रंजी इफेक्ट भी दे सकते हो। ग्रंजी इफेक्ट के लिए गूगल से कोई ग्रंज इमेज आप डाउनलोड कर लीजिए, गूगल में मिल जाएगा। कोशिश कीजिए कि ब्लैक में हो तो ज़्यादा अच्छा है, खैर मुझे ब्लैक में नहीं मिला है, मेरे पास जो है पहले से मैं उसी को यूज़ करूँगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे एंड इंपोर्ट, यहाँ पे रखा हुआ ये ग्रंजी इफेक्ट, ठीक है। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ और इसी को हम यूज़ में लेंगे, मैं इसको यहाँ पे यूज़ में लूँगा, ठीक है जी। एक काम और करेंगे, अब यहाँ से ट्रांसपेरेंसी टूल को सेलेक्ट करेंगे, या फिर यहाँ पे भी है, अगर 2019 आप यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे भी आपको मिल जाता है। ऑलराइट, सो अब क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंसी जहाँ लिखा हुआ है उसके नीचे ही देखिए यहाँ पे है मर्ज मोड, ठीक है, ये मर्ज मोड यहाँ पे भी मिल जाता है। कोई पुराना वर्जन हो तो ये मर्ज मोड आपको ऊपर की थाइन में मिलेगा, अगर 2019 है तो आपको यहाँ पे भी मिलेगा, ठीक है। मैं यहाँ आ जाता हूँ मर्ज मोड में, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ, कौन सा ले, ये ले लेते हैं लाइटनेस, कुछ इस तरह से। राइट, ऑलराइट, सो एक काम करते हैं, अब इसको पहले मैं साइड में कर दूं। ऑलराइट, सो इतना होने के बाद एक काम और करते हैं, पहले मैं इस पार्ट की एक कॉपी करके बाहर लेके आऊं, ठीक है। अभी हम इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, अब देखिए कैसे यूज़ करना है इसको। ऑलराइट, सो इतना होने के बाद इस इमेज पर माउस का कर्सर लाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, पावर क्लिप इनसाइड और इसके अंदर लेके आएंगे, ठीक है जी, कुछ इस तरह से। राइट, अब देखिए इस पार्ट को हम बाहर निकाल देंगे, डिलीट कर देंगे, इस पार्ट को मैं पी प्रेस करके सेंटर में लेके आ रहा हूँ और कंट्रोल
एंड प्रेस करूँगा कुछ इस तरह से, ठीक है। ये दो पार्ट रह गए, ठीक है, ये है तो एक ही पार्ट अभी भी, ठीक है, ये ब्रेक नहीं हुए, तो इसमें भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हो। मैं फिर से मर्ज मोड में जा रहा हूँ और इसको मल्टीप्लाई या फिर आप स्क्रीन करना चाहते हो स्क्रीन कर सकते हो, या फिर ओवरले करना चाहते हो तो ओवरले भी कर सकते हो। एक काम करेंगे, ऑरेंज आप कलर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, राइट, सो इस तरह से, या फिर इसको वाइट करना चाहते हो तो वाइट भी कर सकते हो। मैं इस तरह से ग्रे कर रहा हूँ और कुछ इस तरह से, ठीक है जी। ऑलराइट, सो मैं इसको कंट्रोल जी से ग्रुप करके लेके आ रहा हूँ, ठीक है। ऑलराइट, तो ये था हमारा फिट टेक्स्ट टू पाथ, मेरा फेवरेट ऑप्शन है और बहुत ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी है। प्रैक्टिस ज़रूर रखिए और प्रैक्टिस करेंगे तो और भी आप बेहतर तरीके से इस ऑप्शन को यूज़ में ले पाएंगे। आई होप कि आज का क्लास आपको ज़रूर पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड, आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अगले कोरल ड्रॉ के बेसिक में किसी और नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।